वेलकम टू माय चैनल कुक एंड टेस्टी। आज हम बनाएंगे कुकर में चने की दाल। ये बनाना बहुत आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने चने को 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। 3-4 घंटे बाद मैंने कुकर में इसको डाल दिया है। ध्यान रहे, जितना चना हम लेंगे, चने की दाल को लेंगे, उसका दुगना पानी डालेंगे। मैंने 1 कटोरी दाल ली थी और 2 कटोरी पानी इसमें डाला है। इसके बाद हम इसमें हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच के करीब हल्दी हम अच्छे से डालेंगे। उसके बाद 1/2 चम्मच मैंने इसमें हींग डाली है और नमक स्वाद अनुसार आप डालिए इसमें, और 3 से 4 सीटी के लिए इसको छोड़ दीजिए। 3-4 सीटी के बाद गैस को बंद कर दीजिए। हम अब तड़का तैयार करेंगे। तड़के के लिए हमने सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाला है, मैंने ऑलिव ऑयल का यूज़ किया, आप जो खाते हैं वो यूज़ करिए। उसके बाद इसमें जीरा डाला है 1 चम्मच के करीब। जब जीरा अच्छे से भुन जाए, यानी जीरा जब चटक जाए पूरी तरीके से, तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज देखिए इस तरीके से लंबे लंबे से कटे होंगे बारीक, और हरी मिर्च भी डाल देंगे उसी समय इसमें, और इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे। जब थोड़ा ट्रांसलूसेंट कलर का हो जाए, मतलब थोड़ा सा चमकीले रंग का हो जाए प्याज, तो फिर हम उसमें टमाटर अच्छे से डाल देंगे। ये देखिए मैंने टमाटर भी डाल दिया, और अब इसे हम पकाएंगे। आँच नॉर्मल ही होगी, बहुत धीमी नहीं होगी ना बहुत तेज होगी। हम उस आँच पे इसको पकाएंगे। जब ये अच्छे से पक जाए, लगे कि टमाटर अब गल चुका है, उसके बाद हम इसमें कश्मीरी मिर्च डालेंगे। कश्मीरी मिर्च थोड़ी हल्की तीखी होती है और इसका रंग बहुत अच्छा आता है, इसलिए हम इसमें थोड़ी कश्मीरी मिर्च डालेंगे। कश्मीरी मिर्च डालने पर ये ध्यान रहे, हम फ्लेम बहुत ही स्लो रखेंगे, आँच धीमी रहे, वरना वो कश्मीरी मिर्च जल जाएगी और टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ये देखिए मैंने कश्मीरी मिर्च डाली है और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें दाल थोड़ी थोड़ी करके पूरी डाल दूंगी। अगर आपकी दाल गाढ़ी है तो इसे इसमें थोड़ा पानी आप और डाल लीजिए। हमारे यहाँ पानी एकदम पर्याप्त था, तो मैंने इसमें ये देखिए पूरा डाल दिया है। और इस दाल को मैं करीब 3 से 4 मिनट के लिए उबालूंगी। 3-4 मिनट तक इसको उबालने के बाद हम इसमें हरा धनिया अच्छे से सजा के परोसेंगे। इस तरीके से हमारी ये चने की दाल पूरी तरीके से रेडी हो जाएगी, और इसको हम स्पेशली टिक्कड़ के साथ खाएंगे। तो हमारी टिक्कड़ की रेसिपी देखने के लिए हमारा अगला वीडियो देखना ना भूलें। अगला वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी झटपट और टेस्टी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि ये वीडियोस आप आसानी से देख सकें। और आपको हमारी वीडियोस में क्या कमी लगती है या क्या अच्छा या बुरा लगता है, कृपया सजेशन बॉक्स में अपने सजेशन ज़रूर दें। अभी तक का साथ देने के लिए थैंक यू सो मच।